हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट दो क्लासेस में हमने आपके साथ जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टडी किया है आज हम आपके पास डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन क्योंकि आप सबकी डिमांड भी आई थी कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेके आए तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन को हम डबल पैटर्न में आपके पास लेकर आए हैं यानी इसमें क्वेश्चन भी हैं और साथ में कुछ थ्योरीज भी हैं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द आइडिया ऑफ बाईपोलर एजुकेशन इज डेवलप बाई जो आपके पास बाईपोलर एजुकेशन है उसका आइडिया जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था राइट आंसर इज सर जॉन एडम जो है उनके द्वारा आपके पास डेवलप किया गया था ठीक है थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ठीक है क्लियर दिखेगा बाहर नहीं जाना चाहिए ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वॉज कैरिड आउट वाई जो ट्राईपोलर प्रोसेस से आपके पास एजुकेशन की वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है जोहन डीवे जो है उनके द्वारा आपके पास दिया गया है द फादर ऑफ साइंट साइंटिफिक साइकोलॉजी साइंटिफिक साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है विलियम वुंड जो है आपके पास उनको कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ कोगनेटिव साइकोलॉजी फादर ऑफ कोगनेटिव साइकोलॉजी आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है जीन पियाजे को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन इज बॉन्ड फ्री बट एवरीवेयर ही इज बॉन्डेड बाई चेन ये स्टेटमेंट किसकी है कि इंसान जो है पैदा तो फ्री होता है लेकिन चारों तरफ से वो चेन के साथ बंधा रहता है जैसे सोशल सोसाइटी में बहुत सी डिफिकल्टीज देखनी पड़ती है तो जीन जैक रूसस जो हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आपके पास कही गई है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशउट एट द मेंटल लेवल इज कॉल्ड इन साइकोलॉजी जो आपके माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन है थाउट्स है उनका जो एक प्रॉपर मेंटल लेवल बना होता है उसको रिप्रजेंट किया जाता है स्कीमा के साथ क्या बोलते हैं उसको आपके पास है? स्कीमा मैन इज अ सोशल एनिमल ये स्टेटमेंट किसकी है कि आदमी जो एक सोशल एनिमल है किसकी है अरिस्टोटल की हु लाइफ ये किसके द्वारा आपके पास कही गई है जो हेल्थ है वो लाइफ है आपके पास सुखरात जो सुखरात है उनके द्वारा कही गई है द फादर ऑफ साइकोसेक्शुअलिटी एंड साइको एनालिसिस तो फादर ऑफ साइको कहा जाता है, है? ये है आपके पास, जो हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड हम आपके पास यहाँ पे चलेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात कही गई है और कौन से साइकोलॉजिस्ट आपके पास किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया जिसमें अगर आप फर्स्टली देखें जो स्ट्रक्चरलिज्म है आपके पास यानी स्ट्रक्चरलिस्ट साइकोलॉजी है वो 1879 में जो विलियम बूंद है उनको उनके फादर भी कहा जाता था जो आपके पास साइंटिफिक साइकोलॉजी है और स्ट्रक्चरलिज्म ओल्डेस्ट मेथड भी है ठीक है नेक्स्ट आपके पास फंक्शनलिस्ट जिसमें विलियम जेम्स जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी आपके पास कहा जाता है किल पैट्रिक हो गए जॉहन डीबे आपके पास हो गए आरबी कैटल आपके पास है फिर यह थॉर डाइक ये सारे के सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं आपके पास फंक्शनिस्ट अप्रोच को क्या करते थे लेके चलते थे फिर आतेवरिस्ट जो व्यवहार बाद के ऊपर बात करते हैं जैसे इवान पैबलॉब आपके पास हो गए जेवी वॉटसन आपके पास हो गए ठीक है जीन प्याजे आपके पास हैं टोलमन हो गए बी एफ स्किनर आपके पास हैं जी एस हल है आपके पास अल्फर्ट बंडूरा हैं ये सारे जो हैं हैिस्ट हैं आपके पास नेक्स्ट है साइको एनालिसिस जिसमें सबसे पहले सिगमंड सिगमंड्राइड फिर आपके पास कार्ल जंग एंड आपके पास अल्फ्रेड एल्डर जो है वो साइको एनालिसिस से है हॉलिस्टिक अप्रोच में आपके पास कोफका हो गए कोहलर हो गए लेविन हो गए जो कि होल के साथ चीजों को स्टडी करते थे ठीक है ह्यूमनिस्ट अप्रोच की बात की जाए तो जैसे मोसलो आपके पास हैं कार्ल रॉजर आपके पास हो गए जी अलपोट ठीक है ये बेसिकली जो आपके पास मॉडर्न ह्यूमनिस्ट हैं ठीक है, है थोड़ा सा पी ना ऊपर नीचे हुई है ये जो की बात करते हैं स्ट्रेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस क्लियर तो यहां से आप ले सकते हैं, या फाइल आपको हमारे पास एट चाइल्ड डेवलपमेंट द अट्रैक्शन ऑफ द चाइल्ड टू द अपोजिट सेक्स बिकम मोर ऐसी कौन सी स्टेज है आपके पास जिसमें जो बच्चा होता है यानी जब वो बड़ा हो जाता है तो

इफ़ द एज ऑफ ए चाइल्ड इज ट्वेल्व ईयर आई क्यू इज लेवल इज then फाइव the mental द मेंटल एज आपके पास फॉर्मूला होता है आई क्यू का मेंटल एज डिड बाई क्रॉनिकल इज इन टू हंड्रेड आपके पास दिया गया है एक्चुअल एज यानी जो क्रॉनिकल एज है वो बारह है ठीक है एंड आई क्यू फाइव है तो इस साइड चला जाएगा सेवनटी फाइव इज टू अपॉन हंड्रेड क्लियर इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आपके पास राइट आंसर बनेगा नाइन तो कितनी एज uh, है बच्चे की जो मेंटल एज है वो नाइन है ठीक है क्योंकि मैं बिलो एवरेज चला जाएगा फिर नेक्स्ट है आपके पास इंटेलिजेंस इज एक्सप्लेन एज क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोसेस या प्रोडक्ट तो वो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटेलिजेंस इज लॉजिकली थिंकिंग ये किसने कहा था आपके पास जो इंटेलिजेंस है वो एक लॉजिकल थिंकिंग है अल्फर्ड बिन्नेट जो हैं उनके द्वारा आपके पास कहा गया था हु वॉज अ पिन्नर इन अ क्रिएटिविटी रिसर्च किसको आपके पास कहा जाता है पिन्नर इन अ क्रिएटिविटी रिसर्च गल किसको कहा जाता है गल फॉर्ट क्रिएटिविटी इज अ फंडामेंटल रूट इन जो क्रिएटिविटी वो फंडामेंटल रूट है किसकी

नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी जो कि थ्रस्टन के द्वारा दी गई थी, उन्होंने जो है वो की थी और है आपके पास, पास दिए थे नेक्स्ट थ्योरी आपके पास इसमें आती है रेमंड कैटल की थ्योरी है रेमंड कैटल के जो थ्योरी कैटल एंड जॉन हॉर्न की थ्री स्टैंडर्म थ्योरी थ्री स्टैंडर्म थ्योरी आपके पास

नेक्स्ट थ्योरी आपके पास प्रोसेस ओरिएंटेटेड थ्योरी जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है जिसको ट्राई आर्किक थ्योरी भी आपके पास कहा जाता है नेक्स्ट ट्राई डायमेंशनल थ्योरी है थ्री डायमेंशनल थ्योरी जो कि गल्फोर्ड के द्वारा दी गई है जिसमें तकरीबन फोर इज टू यानी तकरीबन वन बॉक्सेस बनेंगे फाइव इज टू फोर यानी वन एडवर्ड थॉरेंडाइक एडवर्ड थॉरेंडाइक ने आपके पास दी है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कौन सी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जॉर्ज कैले इन्होंने आपके पास है फाइव मेंटल एबिलिटी थ्योरी तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है ठीक है जितनी भी थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो सारी यहाँ पे हमने आपके लिए रिप्रेजेंट की हुई है ठीक है नेक्स्ट आते हैं इंटेलिजेंस के टेस्ट कि कौन कौन से टेस्ट इंटेलिजेंस के और किसके द्वारा दिए गए हैं इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर आते हैं लिंग्विस्टिक टेस्ट हो गया या परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन बर्बल ठीक है ग्रुप टेस्ट में बर्बल एंड नॉन बर्बल हो गए अब इंडिविजुअल में कौन कौन से देखो घोष ब्लॉक टेस्ट आपके पास हो गया परफॉर्मेंस टेस्ट है आपके पास और इंडिविजुअल टेस्ट है ठीक है मेरी पेलर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट एलेक्सेंडर पेस्लिंग टेस्ट आपके पास है पासलिंग टेस्ट ठीक है और विजलर स्केल है आपके पास विजलर इंटेलिजेंस स्केल जो आपके पास 1939 के अराउंड आपके पास दी गई थी यहाँ पे बात करें वर्बल तो नॉन वर्बल के अंदर आता है और वो ग्रुप टेस्ट होता है रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जिसमें डिजाइंस आपके पास दिए जाते हैं तो प्रीवियस में एग्जाम भी आया था कि कोश ब्लॉक टेस्ट जो है आपके पास किस तरह का टेस्ट है तो एक तो इंडिविजुअल टेस्ट है और टेस्ट है है आपके पास ठीक जो कि नॉन कैटेगरी के अंदर जो है okay? है 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 आपके पास है, morpheme, है? है आपके पास पास पे आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज वो ठीक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट राइटिंग स्किल होती है वो सबसे

इम्पोर्टेंट of of के के रोलोइंग जो गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा आपके पास दी गई है डेस्टेस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ रिलीजियस एजुकेशन जो आइडियलिस्ट होते हैं आपके पास वो धार्मिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा बल देते हैं ठीक है नेक्स्ट है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है जेपी गर्फोर्ट के द्वारा क्या कहा था उन्होंने लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ओके द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बंडूरा स्टेज ऑफ सोशल लर्निंग तो सीक्वेंस लिखा गया है यहाँ पे डायरेक्टली जैसे ऑब्जर्वेशन अटेंशन रिटेंशन एंड मोटिव मोटिव आपके पास ठीक है ये मोटिवेशनल नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसमें कॉनेक्टिज्म एसआर थ्योरी बेवरिस्ट भी, कंडीशनिंग हो गई या कोगनेटिव आपके पास हो गए जो जर्मन गैस्टल साइकोलॉजिस्ट थे तो आप देखेंगे जो कनेक्टिजम को रिप्रेजेंट करता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को थॉर डाइक हो गए इसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी है आर एस बुड आपके पास हो गए या जी एम कैटल आपके पास हैं बिवरिस्ट कंडीशनिंग की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग टैबलॉब हो गए आपके पास अब, वॉटसन हो गए बीएफ स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कही थी और बंडरा हो गए जिन्होंने आपके पास सोशल ऑब्जर्वेशन की यह बात कही थी कोग्नेटिव में कोहलर हैं, जर्मन गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट एंड कोर्ट लेविन जो है आपके पास एक कोग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड जोहन डी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस डेवलप एट द एंड ऑफ द स्टेज इन प्याजे थ्योरी ये शॉर्ट में लिख दिया था हमने सेंसरी मेमोरी है ना आपके पास पोस्ट कंक्रीट एंड फॉर्मल इसी तरीके से लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म में वन टू थ्री फोर तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है वो डेवलप होती है एट द एंड ऑफ द स्टेज फर्स्ट ठीक है फर्स्ट स्टेज के एंड में वो डेवलप होना शुरू हो जाती है वट इज टीचिंग थ्रो डिडक्शन मैथड जर्नल टू स्पेसिफिक ठीक है डिडक्शन मैथड का मतलब होता है जर्नल टू स्पेसिफिक The method used to test the uh, acquired knowledge of student from reading is a test method. Next है aapke paas summative evaluation ka example kaun sa hai to yahan pe test is the right answer. Next हमारे पास Maslow की theory है, जिसमें उन्होंने बात की थी social need की. Maslow hierarchy theory of needs and उन्होंने motivational की theory दी, जिसमें उन्होंने five stages की बात कही थी. सबसे पहली स्टेज जो आती है वो आती है साइको आ, साइको फिजियोलॉजिकल नीड ठीक है जिसमें फिजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान उसके बाद सेफ्टी नीड आती है सिक्योरिटी फिर सोशल आइडेंटिटी या लव की बात होती है फिर एल, सेल्फ एस्टीम और लास्ट में आपके पास है, सेल्फ एक्चुलाइजेशन क्लियर नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू द एमसी डুগल एमसी डুগल ने कितने नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट दिए थे चौदह कौन कौन से इंस्टिंक्ट थे आपके पास वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्केप कॉम्पैक्ट रिपल्शन क्यूरिसिटी प्रिनेंटल अपील कंस्ट्रक्शन एक्जिशन ग्रुप सेक्स या मेच्योरिटी हो गया सेल्फ असिस्टेंस सबमिशन या फूड सिकिंग ठीक है और यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है थोड़ा थोड़ा तो यहाँ से आप इसका स्क्रीन लेके इसको डिटेल में यहाँ से स्टडी कर सकते हो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ दिखो अभी हमने इंस्टिंग कोई नहीं है नोबेलिटी को पार्ट है एटीट्यूड इज द डेस्ट कॉन्सेप्ट एटीट्यूड जो है वो सभी के अंडर आता है कोगनेटिव बिहेवियर अफेक्टिव यानी ऑल हंगर थ्रस्ट नीड फॉर सिक्योरिटी आर ऑल मोटिवेशन आरचुरल मोटिवेशन ये आपको जन्म से अपने आप ही मिल जाएंगे इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू एबिलिटी एंड अटेंशन इज द राइट आंसर द द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ ऑफ्टन कॉन्सेप्ट की फर्स्ट स्टेज होती है सेपरेशन अलग करना और लास्ट स्टेज होती है आपके पास जर्नलाइजेशन लास्ट स्टेज कौन सी होती है जर्नलाइजेशन द लेटरल इंस्टिंग इंस्टिंग होता है वो इड की वजह से आता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास कुछ पर्सनैलिटी की टर्म्स है और डिटेल में एक्सप्लेन की गई है देखो पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड है परसोना से आया है जिसका मतलब होता है मास्क ठीक है शेल्डन ने थ्री पार्ट में पर्सनैलिटी को तोड़ा था एंडोमॉर्फिक मिजोमोॉर्फिक एक्टोमोर्फिक एंडो वो वाले लोग होते हैं जो कि थोड़े गोलू मोलू होते हैं सॉफ्ट होते हैं राउंड होते हैं और रिलैक्स रहते हैं बहुत ज्यादा और सोशलाइबल होते हैं मिजोमॉर्फिक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी वाले होंगे जो कि हाईली एनर्जेटिक एंड करेज वाले होते हैं एक्टोमॉर्फिक थिन होंगे लॉन्ग होंगे फ्रेगल टाइप के होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होंगे आर्टिस्ट होंगे और इंट्रोवर्ट होते हैं वो नेचर में क्लियर फिर आते हैं आपके पास कार्ल जंग जिन्होंने दो करेक्टर दिए थे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ड होते हैं जो खुद में रहते हैं शाही टाइप के होते हैं कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा शो करते हैं नहीं होते हैं और सिचुएशन को विड्रॉ करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं वो क्लियर थर्ड साइकोलॉजी से फ्रिडमैन एंड जिन्होंने टाइप ए और टाइप बी दिया था बाद में मॉरिसन ने टाइप सी और टाइप डी उसमें ऐड किए गए थे टाइप ए की बात है जो कि हाईली मोटिवेटेड होते हैं अब जो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा पर्सन वो हमेशा जल्दी में रहेगा हरी में रहेगा उनको लगेगा कि उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम है और उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है टाइप बी होता है आपके पास जो कि लो मोटिवेशन वाले होते हैं और ज्यादा हरी उनको नहीं होती टाइप सी के अंदर आते हैं जो पर्सन कैंसर के साथ पीड़ित हैं और उस चीज को डिनाई करते हैं कि वो कैंसर के साथ पीड़ित हैं ठीक है और डी होते हैं जो पर्सन जो कि डिप्रेशन में रहते हैं क्लियर नेक्स्ट है आपके पास अल्पॉट अल्पॉट ट्रेड थ्योरी जिसमें उन्होंने आपके पास कुछ ट्रेड दिए थे जैसे कार्डनल ट्रेड हो गया

के कपड़े पहने तो लाल ही कलर के पहने कोई और कलर के पहनेंगे तो वो भी आप पहन लोगे ठीक है फिर कैटल ने पर्सनैलिटी फैक्टर और आइजेक ने न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल एंड वर्सेस वर, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो आपके पास है डेवलप की थी ठीक है नेक्स्ट टर्म आती है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी तो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जैसे सेल्फ रिपोर्ट मल्टी फेस पर्सनैलिटी इनवेंट्री टेस्ट आइजेक आईजेलिटी क्वेश्चन पी एफ टेस्ट प्रोजेक्ट टेक्निक रोजेक इंक ब्लो टेस्ट आपके पास हो गया थेमेटिक टेस्ट जो मॉर्गन एंड ने दिया था रोजरवेग पी एफ यानी पर्सनैलिटी फैक्टर स्टडी और सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट तो ये सारे टेस्ट जो आपके पास है असेसमेंट से रिगार्डिंग है ठीक है पर्सनैलिटी की असेसमेंट से रिगार्डिंग

ईगो डील करता है रियलिटी के साथ सुपर ईगो डील करते हैं मोरलिटी के साथ ठीक है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंदर आई थी ओरल स्टेज 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 थैलिक थैलिक लेटेंसी और ओके मेन है क्योंकि थैलिक में दो कॉम्प्लेक्स आते हैं ऑडिपस एंड इलेक्टा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है मेल का फीमेल की तरफ को अट्रैक्शन और इलेक्टा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है फीमेल का मेल की तरफ को अट्रैक्शन ठीक है और उन्होंने जब ईगो की बात कही तो उन्होंने कहा कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ टर्म्स को यूज किया जाता है जो डिफेंस मैकेनिज्म की फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट जैसे का मतलब होता है एक बिहेवियर जो आप डेवलप करते हो जैसे एक पेन है आपके पास आपको लगता है वो आपके लिए लकी है उससे अगर आप एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम सफल होगा बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है रिएक्शन फॉर्मेशन इसमें क्या होता है आप अपोजिट बिहेवियर फॉर्म करते हो किसी चीज़ को छुपाने के लिए जैसे है है मान लो किसी चीज़ से है ना तो आप आप अपोजिट बिहेवियर शो करते हो रिप्रेशन रिप्रेशन में आप चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हो यानी आप क्या कहोगे कि मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ आप टोटली totally उसको रिफ्यूज ही कर दोगे है ना आप उसको ऐसा समझ लो कि अनकॉन्सियसनेस में ले जाओगे कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है सब प्रेशन सप्रेशन में क्या होता है जैसे हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं कुछ सैड एक्सपीरियंस होते हैं आप उनको मेमोराइज नहीं करना चाहते तो आप उनको रिफ्यूज करना चाहते हो ठीक है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जो है बेसिकली वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है डिनाइल जैसे कुछ पर्सन एच आई बी से रिगार्डिंग है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते डिनाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपने जो एक aggression है जैसे मान लो टीचर ने आपको पीट दिया तो आप क्या करते हो घर में आके आपका बस जिसके ऊपर चलेगा आप उसके ऊपर गुस्सा उतार दोगे या हो सकता है आप उसको पीट भी दो ठीक है तो वेरिएशन आपको वहां पे देखने को मिलती है कंप्लीट डिफेंस मैकेनिज्म आपको हमारे नॉर्मल जो वीडियोस हैं उनमें देखने को मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी ह्यूमन मेमोरी तो ह्यूमन मेमोरी का जो मॉडल है वो अकिनशन एंड अक ने दिया था एनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रेबल तीन प्रोसेस होती है मेमोरी के अंदर एनकोडिंग का मतलब होता है चीजों को समझना ठीक है फिर उसको स्टोर करना और बाद में रिकॉल करना रिकॉल करने को रिट्रीवल कहते हैं और स्टोरेज इंफॉर्मेशन कहाँ होती है मेमोरी में और मेमोरी को तीन पार्ट में तोड़ा गया है शॉर्ट टर्म मेमोरी सॉरी सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं और सेंसरी मेमोरी का मतलब है अटेंशन एंड यानी चीज़ों को आप जैसे सुन के कर सकते हैं या इको के थ्रू ठीक है आइकॉनिक या इको आइकॉनिक यानी देख के इको यानी सुन के आप सेंसरी सेंसेस के थ्रू चीज़ों को ग्रैब करते हो इनफॉर्मेशन को ग्रैब करते हो जो आ, सेंसरी मेमोरी है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ड्यूरेशन लेकिन एक सेकंड से कम होती है आप ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं लेकिन ये बहुत स्मॉल इसकी स्टोरेज होती है और लेस देन थर्टी सेकेंड ये चीज़ों को याद रख सकता है अब प्रैक्टिस करके इलेबोरेटरी रिहर्सल्स करके अपनी शॉर्ट टर्म मेमरी से डाटा को भेज सकते हो लॉन्ग टर्म मेमरी में जो कि कैपेसिटी लार्ज होती है इनफाइनाइट कैपेसिटी है और लाइफ टाइम चक चीजों को याद रख सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनहांस करने के लिए एक मेथड होता है चूकिंग मेथड, ठीक है चंकिंग मेथड का मतलब होता है चीजों को तोड़-तोड़ के याद रखना जैसे एक डेट है 194719492004 तो इसको हमने तोड़-तोड़ के याद कर लिया 1947 19492004 तोड़ के याद कर लिया तो इसको बोलते हैं चंकिंग ठीक है लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर डिवाइड किया गया डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी में क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी इतनी इजी नहीं है पढ़ने में मेमोरी का मतलब होता है उसमें चीजें सेव होगी जो कि फिक्स है जैसे डेट हो हो गई कोई टाइम है है ना हिस्टोरिकल इवेंट्स गए और प्रोसीडर में जो प्रोसीजर के द्वारा आप सीखते हो जैसे कार ड्राइविंग फर्दर टुलविन आए जिन्होंने डिकलेटिव मेमोरी को और ज्यादा डिवाइड कर दिया आपके पास टू पार्ट्स में एपिसोडिक एंड सिमेटिक एपिसोडिक का मतलब होता है आपके बायोलॉजिकल जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए हैं वो याद रखती है ये मेमोरी एपिसोडिक और सिमेटिक मेमोरी में जो चीज़ें सिस्टमेटिक पैटर्न में आप सीखते हो जैसे जीके हो गया कोई कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो ठीक है किसी लैंग्वेज को आप प्रॉपरली सीख रहे हो मैथमेटिक्स स्किल को आप सीख रहे हो तो वो सारी सीमेटिक के अंदर आती है जिसको आप सीख के करते हो ठीक है। प्रोसीडर में स्किल बेस्ड होती है ये कॉन्सेप्ट ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस बेस्ड है और, और तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी सारी डिटेल्स है ठीक है तो क्वेश्चन को एक पीडीएफ फॉर्म की बना के आपके लिए ऑलरेडी बी आर अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिया गया है वहां पे जाके आप मेगा सेशन के फोल्डर में से फ्री वाला जो सेक्शन है वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो या हमसे गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उसको सॉल्व कर देंगे ठीक है अगर बाय चांस हमसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विद न्यू सेशन तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे